हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू येट अनदर व्लॉग। सो आज है वेडनेसडे, आज वीक ऑफ है, तो आई एम एट होम एंड आई विल बी गोइंग आउट एज वेल। आज एक स्पेशल चीज़ होने वाली है। सो बेसिकली इंटरस्टेलर का री रिलीज है, सो मैं प्रतीक एंड शानू आर गोइंग टू वॉच इंटरस्टेलर इन थिएटर्स, बिकॉज एक्चुअली वी नो व्हाट द फिल्म इज अबाउट एंड वी शो अ पर्टिकुलर इंटरेस्ट इन स्पेस। सो वो लोग ने ही पिच किया, दे टोल्ड मी दैट इट इज इन थिएटर्स राइट नाउ एंड आई केम टू नो अबाउट इट अ फ्यू डेज अगो ऑन इंस्टाग्राम दैट रिलीज हुआ है हैदराबाद में, बट आई वॉज नॉट श्योर इफ इट विल बी इन मुंबई और नॉट, बट दे टोल्ड मी एंड नाउ वी आर हियर, वी आर गोइंग टुडे एंड आई एम सो सो एक्साइटेड। I don't know if I'm gonna cry because I cry during some of the scenes. I'm gonna watch Interstellar for the first time on a big screen, so I'm really really excited how it's gonna feel and everything else. Apart from that, very soon, this is like a warm up for the next vlog, because next vlog होने वाला है Oppenheimer और Barbie के लिए. Oh my god, I am gonna make those vlogs separate. आपको देखना पड़ेगा वो अलग अलग चाहिए, बिकॉज आई डोंट नो इफ आई एम गोना स्लीप बिफोर वॉचिंग ओपेनहाइमर। मैं सुबह तक जागते ही रहूँगा मे बी, एंड देन द बार्बी आउटफिट, द बार्बी व्लॉग, द बार्बी मूवी विल बी टोटली एक्सक्लूसिव। सो आई एम वॉचिंग इट ऑन द 23rd। दो दिन कैसे सर्वाइव करूँगा मैं, आई डोंट नो, बट लेट्स सी। ब्रेकफास्ट में हमारे पास चाय, हैव द ब्राउन ब्रेड एंड बटर। हवा बहुत ज़्यादा चल रही है आज, बहुत ज़्यादा। अभी वापस वो अगर वो साउंड वापस आता है तो मैं आपको सुनाता हूँ। विंडोज़ क्लोज करने के बाद आपको पता है विसल का साउंड आता है जब बाहर बहुत हवा चल रही रहती है, वैसा साउंड आ रहा है। Are you able to hear? So, चाय रेडी हो गई है ना, अभी चाय ले रहे हैं हम लोग। एक्चुअली मानसून में दिन में भी घर में लाइट नहीं रहता है, तो टॉर्च ऑन करके शूट करना पड़ रहा है। सो दिस इज हाउ आई लुक, यहाँ आउटफिट है एंड अभी मैं निकल गया हूँ। प्रतीक, शानू एंड अपेरेंटली राहुल भी आ रहा है, सो हम लोग 4 बजे नहीं की लाइन में सीट बुक की है। सो लेट्स गो, रियली एक्साइटेड फॉर इंटरस्टेलर इन थिएटर्स फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द बिग स्क्रीन। मज़ा आने वाला है। वाह, मेरे पास छाता भी नहीं है, काफ़ी अच्छी से बारिश। तुमको क्या लगा तुम ही निकाल सकते हैं? नहीं 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 नहीं, ये देखो, मैंने फ्रंट कैमरे से व्लॉग करना मना किया था। फ्रंट कैमरे में अच्छा दिखता हो ना? नहीं नहीं आती क्वालिटी, बैक कैमरा से क्या देख इतना अच्छा दिखता। क्वालिटी से क्या करना है, ऐसे मैंने देखा है लोगों के व्लॉग जिसमें क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं रहती, लोगों को इतना अच्छा वो मिलता है। अरे यहाँ पे घुमा तो नहीं, ऐसे घुमा तू कर सकता है इसको? नहीं नहीं तू कर सकता है। ओह दिख रहा है, तू कब ज्वाइन कर रहा है जिम? मैं जिम कब ज्वाइन कर रहा हूँ पूछ रहे हैं। मे बी वी नेवर नो, गेस वी नेवर नो। प्रतीक और राहुल अंदर चले गए, हम लोग को पता ही नहीं था, वो लोग फटाफट अंदर चले गए, हम लोग का वेट भी नहीं किया उन लोगों ने। अब ये फेंकना पड़ेगा यार। हाँ, ये अंदर ही लेके जा सकते तो इसको फट फट खाना पड़ेगा। हॉट हो गया चैनल। वेलकम करने के लिए कौन है यहाँ पर? ये चेंज हो गया मूवी पचका हो गया। नहीं गाइस, यहाँ पर बार भी लगा था बट अभी चेंज हो गया। चौक से अंदर चले जाते वरना यहाँ से निकाल दे के बोलेंगे। वो क्या था, कहाँ गए थे अपन? शूट नहीं कर सकते 7-11 की तरह भगा देंगे किसी, और यहाँ पर शूट नहीं कर सकते। ओह माय गॉड, ये ले मुझे ले।
अपने लिए पिंक सूट लेना बाकी है, बाकी काम है मेरे। मैंने जो लिया है ना उसके साथ क्या लगूंगा मैं वापस बोलो। मतलब केन लग रहा हो क्या? नहीं केन, केन रात को पानी में भिगा कर रख दिया है। राइस वाटर लग रहा है। फटफट अंदर, ऑलरेडी 15 मिनट लेट हो गया, मूवी स्टार्ट हो रही है अभी। है कर रहा हूँ ना, देखो रिकॉर्ड। अच्छा देखो, ये देखो, ये बंदा खरीदने जा रहा था वहाँ पे, देन फिर उन्होंने वहाँ से भगा दिया। लक्स में अलाउड नहीं है। अभी इंटरवल हुआ है एंड मतलब जो फीलिंग है ना इसको बिग स्क्रीन पे पहली बार देखने की, ऑडियंस मतलब एकदम परफेक्ट ऑडियंस आई है यहाँ पर। मतलब दे आर स्टेइंग क्वाइट ड्यूरिंग द सीन्स एंड एग्जैक्टली उनको पता है क्या करना है, कोई बात नहीं कर रहा है हमारे अलावा। आई एम अ बॉबी बॉय कैन है यार। पिंक कपड़े का है ये पोस्टर क्यों आ गए हैं? दिस हैपेंस व्हेन बोथ द पीपल आर ब्लॉगर्स। भाई फोटो वोटो कोई खींच रहे हैं यहां पे? ओह आई मेट अनदर गर्ल बैड। आई रियली थिंक दिस इज द वन। नेम्स लॉलेस राइट देयर। Pull us down close to the horizon, then a powered slingshot around, launching us towards Edmund's planet. Manually? That's what I'm here for. I'm gonna take us just inside the critical orbit. What about the time slippage? Well, neither one of us have time to worry about relativity right now, Dr. Brand. Left in your oxygen supply. कैसा लगा मूवी? मूवी बहुत अच्छा लगा। मैंने पहले भी देखा है यार, मतलब घर पे देखा था बहुत 2 साल पहले लैपटॉप पे, बट थिएटर में देखने का एक्सपीरियंस बहुत। तो हम लोग भी मूवीज देख ले अभी। अभी ये लोग जाएंगे घर पे
दोनों के दोनों ब्लॉगर्स एक दूसरे को शूट करते रहते हैं, वो हम लोग को शूट नहीं करते। राहुल का फर्स्ट टाइम था हमारे ब्लॉग में, जब भी कुछ प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूँ मैं मूवी देखने के बाद। ये वार्म अप करने आया था ओपनहाइमर के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा कूल डाउन हो गया है अभी, तो अभी हम लोग घर पे जा रहे हैं, बहुत बारिश हो रही है। ओके सो मूवी देख के अभी अभी घर पे वापस आया हूँ, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट कुछ कुछ ऐसे सीन्स थे जो बिग स्क्रीन पे देखना ज़रूरी था, और काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा था मैं वार्म अप करूँ ओपनहाइमर से पहले, बट काफ़ी ज़्यादा कूल डाउन हो गया है सारा पूरा बॉडी सिस्टम ब्रेन। आई डोंट नो ओपनहाइमर में क्या होगा, मे बी। एंड द क्राउड वॉज रियली रियली परफेक्ट फॉर इंटरस्टेलर, मतलब उनको पता था कि दे हैव टू स्टे क्वाइट, वो लोग बात नहीं कर रहे थे, दैट वॉज रियली नाइस, बिकॉज बाकी सारे फिल्म एक्सपीरियंस में आपको लगेगा कि ये लोग बात कर रहे थे, नॉट स्टेइंग क्वाइट फॉर द मूवी। कुछ कुछ ऐसे सीन्स थे जहाँ पर मूवी में भी साउंड नहीं है, कोई भी बैकग्राउंड साउंड नहीं है, कुछ भी नहीं, एकदम साइलेंस है, स्पेस के कुछ सीन्स है, एंड वो टाइम पे भी वो लोग बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे थे, एंड दैट वॉज रियली सरप्राइजिंग टू मी कि दे नो, लाइक दे नो द मूवी, दे नो द एक्सपीरियंस, वॉट दे नीड टू डू। तो मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट टू बी दिस गुड, बट इट वॉज वेरी नाइस। और शानू, प्रतीक, राहुल पहली बार व्लॉग में आया है, तो इन सबसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा। ज़्यादा हम लोग बात नहीं कर पाए बिकॉज मोस्टली हम लोग का टाइम मूवी में निकल गया, एंड देन नाउ इट्स 1, 2, 3 डेज टू गो फॉर मी फॉर ओपनहाइमर, बिकॉज मैं 21st को नहीं जा रहा हूँ, एंड आई होप सो कोई भी मुझे स्पॉइलर नहीं देगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग गाइज, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन, ओपनहाइमर एंड बार्बी व्लॉग कमिंग सून। आई एम गोइंग टू वॉच ओपनहाइमर फर्स्ट एंड देन बार्बी, एंड थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद दिस चैनल। प्लीज डू सब्सक्राइब, प्लीज डू कॉमेंट योर थाट्स, वॉट डू यू थिंक अबाउट द वीडियो, वॉट शुड आई डू नेक्स्ट, और आपको अगर ऐसा लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट है वो भी डाल दो कॉमेंट में, इट रियली मीन्स अलॉट कि आप लोग मेरा वीडियो अच्छे से देखते हो, एंड मुझे मोटिवेशन चाहिए बहुत ज़्यादा। आप लोग ऐसे ही सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग, वॉचिंग दिस व्लॉग टिल नाउ, एंड मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय।